हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, डेली का करीब लाखों आदमी केबीसी स्कैम का शिकार हो रहा है और लाखों आदमी का पैसा भी डूब रहा है केबीसी के चक्कर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूँ, अगर आपके साथ केबीसी स्कैम हुआ है, आपने पैसा दे दिए हैं उनका अकाउंट में, तो उस पैसा को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। कुछ रूल्स है, अगर आप उस रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका पैसा रिकवर होने का थोड़ा सा चांस रहता है। तो आज का वीडियो जरूर एंड तक देखिए। मैं डिस्कस करने वाला हूँ केबीसी स्कैम का शिकार जो लोग हो रहा है। बहुत सारा कमेंट मेरे पास डेली आता है कि मेरे पास आज ये मैसेज आया है, मैंने इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, उसके बाद ना फ़ोन रिसीव कर रहा है, ना उनका व्हाट्सएप में कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। तो इस तरह से लाखों आदमी केबीसी स्कैम का शिकार हो रहा है और वो लोग डेली नया नया लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप वॉइस कॉल, व्हाट्सएप के ज़रिए कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन कि आपने जीता है, आपका लॉटरी नंबर ये है, पैसा लेके वेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप कांटेक्ट करिए। इस तरह से लाखों आदमी को डेली फंसा रहा है। आज से कुछ ही महीने पहले मेरे को पता नहीं था कि केबीसी को लेके भी स्कैम चल रहा है। आज से कुछ महीने पहले मेरे पास एक मैसेज आया था व्हाट्सएप में, सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरे पास, मैंने केबीसी में 25 लाख रुपए जीत गए और डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स लेके हमको अभी कांटेक्ट करना है, मेरा पैसा वहाँ पे वेट कर रहा है। तो मैं उसके दिन उसे रिगार्डिंग जो वो लोग जो बोला, मैंने उनको उन लोगों को बात सुना, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने सुने, उसके बाद फुल जानकारी मैंने ले लिए, फुल रिकॉर्डिंग मैंने ले लिए, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में करीब लाखों व्यू है, आप वीडियो देख सकते हैं और कमेंट भी बहुत सारा है कि कितना लोगों का पैसा गया है इस केबीसी स्कैम के चक्कर में। आप कमेंट खुद देख सकते हैं, वीडियो का नीचे जो कमेंट सेक्शन है आप जाके देख सकते हैं कितना कमेंट, कितना लोगों का पैसा गया है। कुछ दिन पहले ही मेरा एक फ्रेंड से मेरा बात हुआ था, करीब उनका 35,000 रुपये चला गया, सुबह से लेके दोपहर तक करीब 35,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया है और वो पैसा उनको मिला ही नहीं, उसके बाद कोई दूसरा टाइप का बातों में उलझा रहा है स्कैम वालों ने। मैं इस स्कैम के रिगार्डिंग बहुत सोचा, बहुत रिसर्च की कि इतना लोगों का पैसा नुकसान हो रहा है और इतना लोगों का पैसा लूट रहा है स्कैम वालों ने। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद दिन ब दिन जो ये जो केबीसी स्कैम जिस तरह से बढ़ रहा है, काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है केबीसी स्कैम के वजह से और ज़्यादातर टारगेट कर रहा है गाँव साइड, जो लोगों को ठीक से सही से व्हाट्सएप भी यूज़ करना नहीं आता है, वो लोगों के पास मैसेज भेज रहा है और उसके बाद कॉल करके बता रहा है कि आपने लॉटरी जीता है इतना रुपए का, जल्द से जल्द ये जो प्रोसीड्यूर है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, बैंक डिटेल्स है, जल्द से जल्द भेजिए और आपका पैसा को क्लियरेंस कर लीजिए आपका बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से काफ़ी सारा लोगों का नुकसान कर रहा है। फिर जब व्हाट्सएप में कॉल आता है, बातों में इस तरह से उलझा के रखता है और ऐसा ऐसा बात आपको बताता है और आप उनका बात मानने लगते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, उसके बाद बैंक डिटेल्स भेजते हैं, पहले ही आपको पैसा नहीं मांगेगा, पहले आपको बोलेगा अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप भेजिए, हम लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह का हमको खुद बोला था, उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स जानकारी दी है ऑलरेडी। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में भी आपको मिल जाएगा लिंक। तो फ्रेंड्स, हमको बताया था कि आप जल्द से जल्द ये जो सारा डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स भेजिए, वेरीफाई हो रहा है और आपका पैसा गिनती चल रहा है। इस तरह से बातों में उलझा के रखेगा आपको और आप मानिएगा कि यह सच है और पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद ही आपको बताया जाएगा। हमको भी ऐसा बताया गया था कि आपका पैसा क्लियरेंस नहीं हो रहा है, आपका कोई टैक्स, आपका रिटर्न नहीं है, आपका आईटी फाइल नहीं है, तो आपको टैक्स पहले देना होगा, उसके बाद ही आपका पेमेंट क्लियर होगा। तो उस समय में हमको तो पता लग ही गया था कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है। तो इस तरह से स्कैम कर रहा है काफ़ी सारा लोगों के साथ। तो मैंने बहुत रिसर्च की कि इतना सारा लोगों का पैसा जो लूट रहा है स्कैम वालों ने, इस लूटने का, ये जो लूट रहा है पैसा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा कि इसको रिकवर करने का, कोई कोई ना कोई जरिया तो होगा कि इस पैसा को
किसी भी तरह रिकवर किया जाए। तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद, मैं जो रिसर्च जो प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा मिलने का चांस थोड़ा रह जाता है। तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से, अगर आपके साथ स्कैम हो चुका है, आपने पैसा भी उनके अकाउंट में भेज दिए हैं, तो उस पैसा को कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह का ही टेक वीडियो डेली आप लोगों के लाता हूं जो आपका काम पे आए। तो फ्रेंड्स, अभी का समय में ज़्यादातर आदमी मोबाइल के अंदर एम वॉलेट नहीं तो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करता है, तो उसके ज़रिए ही पैसा ट्रांसफ़र कर देता होगा स्कैम वालों को। तो फ्रेंड्स, वही आपके पास क्लू है और वही आपके पास एविडेंस है कि आपने किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं और कब किए हैं। पूरा डिटेल्स आपका फ़ोन के अंदर ही रहेगा, इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वही एविडेंस को लेके आपको जाना है आपका बैंक में, मतलब जिस ब्रांच के अंडर आपका वो अकाउंट है, और आप उस अकाउंट से स्कैम वालों के अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफ़र किए हैं बाय UPI, बाय NEFT, बाय RTGS, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है जिस प्लेटफॉर्म के मदद से आप पैसा भेज रहे हैं। तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स रहता है कि आपने कब कितना पैसा भेजे हैं और कौन सा अकाउंट में पैसा गया है। तो सबसे पहले जो आपको करना है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपको जाना है आपका ब्रांच में, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है और जिस अकाउंट के मदद से आप पैसा ट्रांसफ़र किए हैं स्कैम वालों के अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर से डायरेक्ट बात करिए कि सर, मेरा इतना रुपए इस अकाउंट में मैंने भेज दिए हैं, इस पैसा को हमको रिटर्न चाहिए, मैं कंप्लेन देना चाहता हूँ। तो आप ये कंप्लेन दे सकते हैं। और उसके बाद जब ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, बट आपको जब भी आपको पता चलेगा कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है और आपने जब पैसा भेज दीजिएगा अकाउंट में, तभी आपको जाके कंप्लेन करना होगा। अगर आप नहीं भेजे तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपने पैसा किसी भी तरह भेज दिया उन लोगों के अकाउंट में, तो सबसे पहले आपको कंप्लेन करना है अपना होम ब्रांच में जाके। तो फ्रेंड्स, क्या सिस्टम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपने पैसा भेजे हैं स्कैम वालों के अकाउंट में, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ है कि आपने इस अकाउंट में इतना पैसा भेजे हैं, ये टाइम है, ये डेट है, तो पूरा चीज़ को प्रिंट आउट आप करा सकते हैं। नहीं तो ब्रांच मैनेजर को डायरेक्ट आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं कि मैंने इस अकाउंट में पैसा भेज दिए हैं, आप बताइएगा कि गलत तरीक़ा से मेरा पैसा चला गया है, मैं इस पैसा को पॉज करना चाहता हूँ, उसको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्कैम वालों का कोई भी अकाउंट हो सकता है, कोई भी ब्रांच हो सकता है, बट ये ब्रांच, उस ब्रांच में जो पैसा जा रहा है वो एक कंप्लेन देगा कि इतना पैसा इस कस्टमर के अकाउंट से इस कस्टमर के अकाउंट में गया। जो बंदा स्कैम कर रहा है और जिनका अकाउंट में वो पैसा रिसीव हुआ है, तो उसका बैंक वालों ने उस कस्टमर को बोलेगा कि आपका अकाउंट में ये पैसा आया है और ये पैसा रिफंड का क्लेम किया है, ये पैसा आपको रिटर्न करना हो। जब भी कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा वो कस्टमर, तब आप लीगल स्टेप भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, पूरा प्रूफ है कि आपने इस अकाउंट में पैसा भेजे हैं और ये पैसा गलत तरीका से चला गया है। तो आप पैसा जब रिफंड का क्लेम करिएगा तो आपको रिफंड देना होगा, नहीं तो स्कैम वालों बता सकता है कि मेरा ही पैसा है, इस तरह का नहीं बता सकता, क्योंकि जो पैसा जा रहा है आपका अकाउंट से उसका अकाउंट में, तो वो एक लिंकिंग उसमें रेडी हो रहा है कि कौन सा अकाउंट से पैसा आया है, आपसे पैसा पाता है कि आपका रिश्तेदार है, इस तरह का नहीं बता सकता, कोई क्लू नहीं दिखा सकता। बट आप एक क्लू दिखा सकते हैं, एक सबूत दिखा सकते हैं कि मैंने इस अकाउंट में पैसा भेजे हैं, ये पैसा मेरा गलत चला गया है, इसको मैं रिफंड चाहता हूँ। तो इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं अपना होम ब्रांच में जाके। और अगर आप इस तरह का चीज़ करते हैं तो स्कैम वालों को भी पकड़ा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्लू है, एक बार ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आपने पैसा डाल दिए हैं स्कैम वालों का अकाउंट में, तो जरूर एक बार ट्राई करिए। और ये जो सिस्टम है, थोड़ा सा समय लग सकता है इसके, बट आपको आपका बैंक में
थोड़ा सा टच रखना होगा, मैनेजर से जाके बात करना होगा कि मैंने जो कंप्लेन डाली थी उस कंप्लेन का क्या रिस्पॉन्स है। थोड़ा दो दिन एक दिन अंतर एक बार बैंक में आपको विजिट जरूर करना है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस होने में थोड़ा सा समय लगता है, बट यही एक जरिया है आपका पैसा को रिटर्न कराने का। तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम मैंने फुल रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद पता चला है कि अगर गलत तरीका से किसी भी अकाउंट में अगर पैसा चला जाता है, उसको भी रिफंड किया जा सकता है। तो आप तो उनसे कुछ प्रोडक्ट तो नहीं खरीदा, आपसे पैसा पाता है ऐसा भी नहीं है, बट आपने कुछ लालच दिखा के पैसा आपसे लिया जा रहा है। बट लाइन तो वो तो कोई पैसा कैश तो नहीं ले रहा है, इस कैश अगर लेता तो कोई उसमें कुछ प्रूफ नहीं रहता, बट पैसा अकाउंट टू अकाउंट ले रहा है, तो इसके जरिए आप पकड़ भी सकते हैं स्कैम वालों को। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके साथ स्कैम हो तो आप इस चीज़ का अप्लाई जरूर करें। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च करने के बाद ये मेरा पर्सनल आइडिया है, और मैंने रिसर्च करने के बाद ही मैं सोचा कि इतना लोगों के साथ स्कैम हो रहा है और इतना लाखों रुपए स्कैम वालों ने लूट रहा है, तो मैं सोचा कि इसके रिगार्डिंग कुछ इस तरह का वीडियो बनाया जाए कि काफ़ी लोगों का पैसा अगर रिकवर हो जाता है तो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ अगर कुछ भी इस तरह का कुछ भी अगर होता है, आप लोग पैसा दे दिए हैं या पैसा अपने दे चुके हैं, कुछ दिन हो गया है, फिर भी एक बार होम ब्रांच में जाके कांटेक्ट जरूर करें। लास्ट कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड से, मेरा एक व्यूअर से बात हुआ था कि वो खुद हमको फ़ोन किया था, कमेंट में नंबर डाली थी, मैंने कॉल किए थे, कॉल करके जब बात करके पता चला करीब 35,000 उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी स्कैम वालों के अकाउंट में। तो कल भी उनसे मेरा बात हुआ है, उनको मैं बता दिया ये वाला सिस्टम। और अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द, अगर ब्रांच में अभी भी कॉन्टैक्ट नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए कि पैसा, देखिए पैसा मेहनत से बनता है, तो आपका पैसा कोई हराम का इस तरह से लेके चले जाए, आप तो इसको छोड़िएगा, छोड़िए मत। ब्रांच में जाइए, ब्रांच मैनेजर से कॉन्टैक्ट करिए, आपका पैसा रिटर्न करने का यही एक चांस है, यही एक मौका है, इसको ज़रूर एक बार अप्लाई करिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूँ जो आपका काम पे आए। और फ्रेंड्स, इस तरह का मैसेज, इस तरह का कॉल से ज़रूर बच कर रहिए, नहीं तो काफ़ी सारा स्कैम का चक्कर अभी शुरू हो गया है। अभी इस तरह का भी बताया जा रहा है कि आपका सिम केवाईसी एक्सपायर हो गया है, बहुत तरीका से स्कैम करने का कोशिश में लगा हुआ है स्कैमर लोगों ने। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, डिजिटली एडुकेटेड होइए, तभी आप स्कैम से बच सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं इस तरह का ही टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूँ जो आपका काम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।